सो श्रीकाल सारेयानु, वेलकम बैक टू माय चैनल नूरवी क्रिएशन एंड वी आर ऑन द थर्ड वीक ऑफ द डाइट। और इस हफ्ते हम करने वाले हैं वो डाइट प्लान जो मुझे बेसिकली बहुत सूट करता है। सो लेट्स सी द रिजल्ट्स आफ्टर वन वीक और 10 डेज। आई डोंट नो कि कितने दिन मैं ये करने वाली हूँ, बट या आई एम रेडी फॉर द थर्ड वीक। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस डाइट चार्ट में क्या क्या, कब कब और कैसे कैसे खाना है। सो लेट्स स्टार्ट। ये रहा इस हफ्ते का डाइट चार्ट। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इस कॉपी के ऊपर। अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद मैं आपको डिटेल में करके बताऊँगी कि किस टाइम पे ऊपर क्या चीज़ खानी है और मैं कैसे खा रही हूँ फॉर दिस वीक। फर्स्ट मील ऑफ द डे इज़ आर मॉर्निंग ड्रिंक। और मॉर्निंग ड्रिंक हम उस टाइम लेंगे जब हम उठेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं 6 बजे उठती हूँ तो ये मेरा जो डाइट चार्ट है ये 6 बजे स्टार्ट होगा। तो उठते ही सबसे पहले तो मैं वेट चेक करती हूँ अपना और उसके बाद आई टेक माई मॉर्निंग ड्रिंक। और मॉर्निंग ड्रिंक में हमें करना क्या है, अजवाइन लेनी है और अजवाइन की हाफ टी स्पून ऑफ अजवाइन को हमने रात को डिप करके सोना है। डिप करके जब हम सोएंगे तो सुबह उसका जो कलर है वो बहुत चेंज हो चुका होगा और उस पानी को हमें 1 गिलास से 2 गिलास बना के वॉर्म करके पीना है। और उसके साथ लेनी है हमें 1 काली मिर्च। काली मिर्च अगर आप चाहते हैं तो उसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास पाउडर है। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो मैं तो इसके साथ पूरी बड़ी वाली काली मिर्च जो होती है एज अ दवाई, जैसे हम मुंह में डालते हैं वैसे डाल के मैं ले लेती हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। और उसके बाद हमें करना है हाफ आवर ऑफ वर्कआउट। आधा घंटा वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं या आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल एक्सरसाइज करती हूँ, बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट मैं नहीं करती। मैं बहुत धीरे से, मैंने अभी स्टार्ट किया है तो मैं बहुत छोटे मोटे जो एक्सरसाइजेज हैं, बेसिक एक्सरसाइजेज, वो ही करती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकती हूँ। तो उसके बाद अराउंड 7 हम लेंगे अपनी फर्स्ट कप ऑफ ग्रीन टी। ये हमने लेनी है ऑर्गेनिक की तुलसी। ऑर्गेनिक में काफ़ी वैरायटी आती है ऑफ ग्रीन टी, तो इसमें जो हमें लेनी है इस डाइट चार्ट में दैट इज़ तुलसी। मैं वैसे नॉर्मल जो मेरे घर में पड़ी हुई है मैं वही यूज़ कर रही हूँ, मैंने तुलसी वाली नहीं ली। उसके बाद हम, अगर आप न्यू लेना चाह रहे हैं, बाय करना चाह रहे हैं, तो आप ऑर्गेनिक तुलसी बाय कर सकते हैं। उसके बाद 9 बजे हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम है। हमें चोकर आटा यूज़ करना है। मैंने एक बार पहले जब डाइट की थी तो चोकर आटा यूज़ किया था। चोकर आटा होता है कि हाफ अमाउंट जो होती है उसकी नॉर्मल आटा जो हम घर पे यूज़ करते हैं और हाफ होता है चोकर। चोकर होता है जो फाइबर निकलता है आटे में से, वो थोड़ा सा मोटा मोटा और खुरदरा सा होता है, वो होता है चोकर। वो किसी भी आटे वाली शॉप से आपको मिल जाएगा ईजिली। तो अगर आप चाहते हैं तो उन दोनों को हाफ हाफ अमाउंट में मिक्स करके इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो रोटी है बहुत सॉफ्ट नहीं बनती और एजेस भी इसके क्लीन नहीं आते हैं। और बट ये डाइट के लिए, अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो इफ़ यू वांट यू कैन डू इट। मैं फ़िलहाल नॉर्मल आटा ही ले रही हूँ और 1 चपाती। और उस चपाती में वो स्टफ्ड होगी, ये टी नहीं डाला, ये स्टफ्ड होगी। और इसमें अगर आप ग्रीन वेज लीव्स वाली जो स्टफिंग है वो ऐड करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। और उसके साथ हमें लेना है हाफ बाउल ऑफ कर्ड। कर्ड नॉर्मल कर्ड जो आप घर पे बना हुआ कर्ड है वो ले सकते हो। और कर्ड में डालनी है काली मिर्च और हींग। कितनी डालनी है, 1-1 चुटकी, 1-1 पिंच, ज़्यादा नहीं डालनी। बट डालना क्या है, काली मिर्च एंड हींग। और मुझे लगता है कि इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप डाइट करते हो। अगर आप डाइट नहीं भी कर रहे तो ये कॉम्बिनेशन तो माय फेवरेट, काली मिर्च एंड हींग। या आप ले सकते हैं वेज पोहा प्लस कर्ड। जो ये वेज पोहा है आप 1 बाउल ले सकते हैं, कुक्ड 1 बाउल, छोटा वाला जो कुल्ली जिसको हम बोलते हैं, आप वो ले सकते हो। अराउंड 11:30 आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, नो बनाना, मैंगो और चीकू। इनमें जो शुगर कंटेंट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन आपके ऊपर है,
आप जो फ्रूट खाना चाहें, एक फ्रूट कोई भी आप खा सकते हैं। सो अराउंड 2 इट्स अ लंच टाइम, और लंच टाइम में हमें लेना है सैलेड। सैलेड में आप कुछ भी सैलेड ले सकते हैं, और उसमें हमें मिक्स करना है लेमन प्लस काली मिर्च, ऊपर से स्प्रिंकल करके खाना है। एक चपाती, सब्जी कोई भी जो आपके घर पे बनी हुई है, और कर्ड, ये हमें सब लंच में लेना है। वेजीज़ को आप थोड़ा सा अगर पोर्शन कंट्रोल करेंगे तो अच्छा होगा। कर्ड हम हाफ बाउल तक ले सकते हैं, सैलेड जितना मर्जी आप पेट भर के खा सकते हैं। उसके बाद अराउंड 4 PM इट्स अ ग्रीन टी टाइम अगेन। 4 PM 4 बजे के बाद अवॉइड करें ग्रीन टी। अराउंड 6 आपको फिर से अगर भूख लगी है तो आप एक फ्रूट ले सकते हैं, वैसे मैं तो ले रही हूँ। अराउंड 7:30 हमें अपना डिनर करना है, और डिनर में हम ले सकते हैं सैलड, सूप, वेज स्प्राउट्स, वेज ओट्स, इनमें से कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। और अराउंड 9 हमें अपनी लास्ट जो नाइट ड्रिंक है वो लेनी है, और इसमें है ये मुलट्ठी वाटर। मुलट्ठी आपको इजीली किसी भी शॉप पे, ग्रॉसरी की शॉप पे मिल जाएगी। मैं आपको आगे बताऊंगी कि कितनी अमाउंट लेनी है और कैसे लेनी है। और ये है हमारा डाइट प्लान, और इसमें हमें एक और चीज़ ऐड करनी है। 8 AM से 1 PM के बीच में हमें 2 liters ऑफ वाटर लेना है, प्लस 3 spoons ऑफ गिलोय जूस। ये जो गिलोय जूस है, दिस इज़ अ जूस, ये लेना है। दिस इज़ ऑल्सो अ इम्यूनिटी बूस्टर, तो ये हमें ऐड करना है अपनी डाइट में। प्लस इन टोटेलिटी पूरा अगर हम टोटल करें तो हमें अराउंड 12-14 ग्लास मिनिमम पानी ज़रूर पीना है पूरे दिन के अंदर। ये एक तो आपको हाइड्रेटेड रखेगा, दूसरा आपका जो पेट है थोड़ा भरा सा रहेगा, प्लस डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इतना पानी फॉर द वेट लॉस इज मैंडेटरी। सो इतना ही इनटेक ऑफ पानी की तो हमें पूरे दिन में करनी ही है। आई होप मैंने जो आपको डाइट चार्ट में अब बताया है आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सुबह से रात तक ये डाइट करनी कैसे है। आई जस्ट रियलाइज दैट इट इज़ वेरी ब्लर, बट द वेट इज 76.2 kgs। आफ्टर चेकिंग द वेट अर्ली इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, इट्स टाइम फॉर द मॉर्निंग ड्रिंक। और ये है हमारा अजवाइन का पानी। 1 glass ऑफ वाटर के अंदर मैंने 1/2 teaspoon ऑफ अजवाइन को रात को डिप करके रख दिया था, और यू कैन सी द कलर, पानी का पूरा कलर जो है वो चेंज हो गया है। इसके अंदर मैंने 1 cup और पानी डाला है, और ये वार्म वाटर मैंने एम्प्टी स्टमक कंज्यूम किया है। और इसके साथ ऐड क्या करना है, इसके साथ ऐड की है हमने ये काली मिर्च। 1 recommended थी, मैंने 2 ले ली, नॉट अ बिग डिफरेंस। सो 2 glasses, और ये एज अ दवाई जैसे हम मुंह में डालते हैं वैसे मुंह में रख के हमने ऊपर से पानी जो है वो पी लेना है। इसके बाद 1/2 hour ऑफ वर्कआउट, और उसके बाद अराउंड 7 AM इट्स टाइम फॉर ग्रीन टी। ये हमारी नॉर्मल ग्रीन टी जो हमारे घर पे है ये वही है, वेरी टेस्टी वाली। तो ये मैंने इसका 1 cup पिया कॉलेज जाने से पहले। अराउंड 9 AM इट्स टाइम फॉर द ब्रेकफास्ट, और इसमें 1/2 bowl ऑफ कर्ड, और ये हींग डालनी है इसके अंदर, हींग और काली मिर्च। तो इतनी सी अमाउंट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसको हम मिक्स कर देंगे, और इसका टेस्ट जो है ये बहुत अच्छा लगता है। प्लस ये रोटी है, ये दाल की रोटी थी, आप अगर चाहें तो स्टफ्ड परौंठा ले सकते हैं इसके अंदर, ग्रीन वेजिटेबल्स डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये जो रोटी है ये नॉर्मल है, ये चोकर आटे की नहीं है। अराउंड 12 इट्स टाइम फॉर द ग्रीन टी। उसमें फूड लिखा हुआ था, आई जंप डायरेक्टली टू द ग्रीन टी। सो दिस इज़ ग्रीन टी इन मेकिंग। पानी थोड़ा सा बॉयल हुआ तो उसके अंदर जो ग्रीन टी के लीव्स हैं वो डाल के 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देने हैं, और उसके बाद एक कप में निकाल के उसको पी लेना है। आई नो इट्स नॉट टेस्टी बट यू हैव टू ड्रिंक इट। पीजो पीजो, कोई गल नहीं, पीनी पैनी। सो आफ्टर दैट अराउंड 2 or 2:30 ये एक एप्पल है, फुल एप्पल एज अ फ्रूट मैंने कंज्यूम किया। और इसके बाद घर जाने के बाद अराउंड 4
मैंने अपना जो लंच है वो किया एंड दिस इज़ माई लंच प्लेट। मेरी लंच में सब कुछ है, कर्ड है, सब्जी है, सैलेड है। सैलेड के ऊपर स्प्रिंकल करना था काली मिर्च और नींबू को, वो मैंने अपने कर्ड में डाल लिया। प्लस ग्रीन चटनी पड़ी थी घर में, वो भी मैंने उसमें ऐड कर ली, और एक रोटी है इसके साथ। तो ये था हमारा लंच। एंड आफ्टर लंच अराउंड 7 मैंने ये एक फ्रूट और कंज्यूम किया, ये पियर्स है, और इसको पूरा मैंने खाया। दिस इज़ माई डिनर प्लेट, और डिनर प्लेट में मैंने बहुत सारी वैरायटी ऑफ सब्जीज़ बनी हुई थी घर पे, तो मैंने सभी को अपनी प्लेट में इंक्लूड किया। इसमें दाल है, ये दाल इतनी टेस्टी थी कि ये जो सब्जी बनी हुई है पनीर की, ये खाने का जी नहीं कर रहा था, बट दिस इज़ माई प्लेट फुल ऑफ वेजीज। चलो चलो चलो, रन करो रन। वाहिगुरु जी दी मेहर करके वी ऑल रिकवर्ड फ्रॉम द वायरल, और आज से हमने दोबारा अपनी नाइट वॉक आफ्टर द डिनर स्टार्ट की है। नूरी बस चलो अंदर, इट्स टाइम फॉर नाइट ड्रिंक। और ये है मुलट्ठी। मुलट्ठी के ऐसे पीस जो लक्कड़ टाइप होते हैं ना, ये आपको मार्केट में मिलेंगे। ये छोटे वाला एक के लिए काफ़ी है, और अगर आपने दो जनों के लिए बनाना है तो ये बड़े वाला पीस इज़ गुड। और ये हमने डाला पानी के अंदर 1 ग्लास ऑफ वाटर, उसको बॉयल होने दिया, उसके अंदर हमने डाल दी मुलट्ठी। और आप देखें कि इसका धीरे धीरे से जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, ये देखिए इसका कलर। उसके बाद हम इसको थोड़ी देर कवर करके रखेंगे और ये जो पानी है हम पी लेंगे। और मॉर्निंग ड्रिंक के लिए ये अजवाइन का जो पानी है, हाफ जो टीस्पून अजवाइन को, ये हमने डिप करके रख दिया है ओवरनाइट सोक करने के लिए। और ये है जी हमारा ग्लोए जूस, जो हमने 8 बजे से लेके 1 बजे तक फिनिश करना है। ये 1 लीटर की बॉटल है, इसमें आप 1 कप लें और इसको रीफिल 2 बार करें और अपना जो जूस है उसको फिनिश करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डाइट प्लान ऑफ दिस वीक, एंड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट व्लॉग अबाउट द वेट लॉस। 1 हफ्ते में या 10 डेज में मैंने कितना वेट लूज किया उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी, और 1 महीने में हमने कितना वेट लॉस किया ये भी हम नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन बाय बाय, कीप शेयरिंग, सपोर्टिंग, कमेंटिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। Bye-bye.